अकेला छोड़ दिया गया था, अब के बार क्या इरादा है? इस दफा तो हम धरना मिलके करेंगे। तो ये बताइए, पीपल्स पार्टी नाकाम रही है अदम एतमाद के हवाले से? कायल नहीं कर सके आपके सवालात पे जो सब साथ हैं। अभी इस पे बातचीत चल रही है, जाहिर है हर जमात का अपना मौकफ होता है, हमारा अपना है, उनका अपना है, और सवालात जवाबात होते हैं, ये अभी ऑन गोइंग सेशन है, चलता है। ये अच्छा ऑप्शन नहीं है कि पंजाब से तरीके अदम एतमाद लाई जाए, उस्मान बुज़दार के खिलाफ पहले वहाँ से आगाज किया जाए? उस्मान बुज़दार साहब बेचारे को क्यों उठाना, जब तक वो बैठे रहेंगे हम पता चलता रहेगा कि मुस्लिम लीग नून में और जाली हुकूमत में क्या फर्क है। इलेक्शन में हिस्सा लेंगे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन? एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो लोकल बॉडीज इलेक्शन का शोशा छोड़ा है ना, ये लॉन्ग मार्च को स्कटल करने के लिए छोड़ा है, मुझे सब समझ आ रही है। मरियम साहब ये बताएं कि ये जो आपका लॉन्ग मार्च अभी अनाउंस हुआ है, क्या यही फाइनल डिसीजन होगा या इसके बाद बार बार आना पड़ेगा या आते रहेंगे? अभी तो अभी आपको बताया है ना कि 26 तारीख को इंशाल्लाह रवाना होंगे पूरे मुल्क से काफले लॉन्ग मार्च के लिए। नहीं ये तो एक हुआ ना, इसके बाद का भी कोई प्लान है जो डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट वो देखेंगे इंशाल्लाह, जब वक्त आएगा तो देखेंगे। जी मैं आप दोबारा शामिल होंगे शहबाज शरीफ साहब? जी जी वो तो जेल में है भाई। आप ये उम्मीद करते हैं कि वो मुझे, मैं उम्मीद भी करती हूँ, दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको इंशाल्लाह हमारे दरमियान जल्द लेके आए। आज उनकी तबीयत भी खराब थी और वो हॉस्पिटल भी गए सुबह, अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे। आमीन। थैंक यू मैम।